risk management. पहला क्वेश्चन आराम से सुन। हम जो भी बिजनेस करते हैं क्या उसमें रिस्क होता है? हाँ सर, रिस्क होता है। ये तो बेकार का क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरे हिसाब से पूछ रहा हूँ, आप जो भी बिजनेस करते हो बस इतना बता दीजिए कि क्या वजह है कि वो बंद हो जाता है। सर कैसे? जैसे सहारा तो ठीक है, चल भी रहा, और भी सत्यम, क्या वजह है कि सत्यम बंद होगी? और जो वजह ढूंढ के लाओगे ना, वही आपका रिस्क होगा कि आपके बिजनेस में कितने टाइप के रिस्क हो सकते हैं। बता सकते हो, इंटरनेट कैफे बहुत चलते थे पहले किसी जमाने में, आजकल इंटरनेट कैफे बंद हो गए। एसटीडी, पीसीओ, ये एसटीडी वगैरह सुना है कभी? एसटीडी चलते थे, आजकल वो बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? पहले सुनो, टाइप, आजकल तो कंप्यूटर है, पहले टाइपराइटर चलता था, वो भी बंद हो गए। क्या वजह है बंद होने की? वह किस वजह से बंद हो सकते हैं, और जिस वजह से बंद हो सकते हैं वही आपका रिस्क कहलाएगा। अब मैं आपको धीरे धीरे बात करूंगा, आराम आराम से। टोटल मिलाकर कितने टाइप के रिस्क हो सकती है? तो आपके स्टडी मटेरियल ने बताया टोटल मिलाकर 4 टाइप के रिस्क हो सकती है। 1 by 1 डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं आपको रीड करूँ। फर्स्ट, स्ट्रैटेजिक रिस्क। सर ये क्या होता है स्ट्रैटेजिक रिस्क? स्ट्रैटेजिक रिस्क का मतलब होता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो इफेक्टिव नहीं हो रह पाती, आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती। और किस वजह से फेल हो जाती है? एक तो सबसे बड़ी वजह है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है। इसका मतलब ये है, पहले इंटरनेट कैफे चलते थे, पर अब मोबाइल में इतना इंटरनेट यूज होता है कि इंटरनेट कैफे बंद हो गए, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गए। इसके अलावा पहले टाइपराइटर्स चलते थे, अब कंप्यूटर आ गए, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गए, इसलिए टाइपराइटर कंपनी बंद हो गई। स्ट्रैटेजिक रिस्क। और आप के स्टडी मटेरियल में 2 एग्जांपल 3 एग्जांपल बेहतरीन दे रखे हैं। एक एग्जांपल कौन सा दिया है? एक एग्जांपल दिया हुआ है कोडेक। कभी नाम सुना है कोडेक? सी हो सकता कोडेक। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं, पहले कंपनी थी, शायद ही आपको, कैमरा बनाती थी, कैमरा, और वो था कोडेक। और वो जो कैमरा बनाते थे साथ में, वो मालूम है, ये डिजिटल कैमरा नहीं, उस कैमरे में ऐसा होता था कि रील डाल दिया जाता था और फिर फोटो खींची जाती थी, और उस रील से फिर फोटो निकाली जाती थी। इट मींस, और वो सर रील कौन बनाता था? वो भी कोडेक ही बनाता था। तो सर कैमरा तो आदमी एक ही बार खरीदता था, लेकिन वो जो रील उसमें जो लगाया जाता था जिस पे फोटो निकलती थी, उस रील को मैक्सिमम 32 फोटो निकाल सकते थे, फिर नया रील डालना पड़ता था। तो बार बार ना, जो पर्सन कैमरा खरीदेगा, कैमरा तो एक ही बार खरीदेगा, पर जो रील है ना वो बार बार खरीदना पड़ेगा। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, सोच के बताओ कि बिजनेस जो चल रहा था वो कैमरा ज्यादा बिक रहा था या रील ज्यादा बिक रहा था? रील ज्यादा बिक रहा था, सीधी सी बात है। मेन जो बिजनेस था वो रील का बिजनेस हो गया था, आप उसे रोल बोल सकते हो, चल जाएगा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ सर? धीरे से डिजिटल कैमरे आए, और डिजिटल कैमरे की जो टेक्नोलॉजी है वो कोडेक के भी पास आई, और उन्होंने कहा कि प्लीज ये जो है ना हमारा डिजिटल कैमरा आप एडॉप्ट कीजिए, आप चलाइए, आप अपने नाम से चलाइए। तो इन्होंने मना कर दिया, कोडेक ने। क्यों मना किया? क्योंकि अगर डिजिटल कैमरे जो आजकल चल रहा है अगर वो पिक्चर में आ जाते हैं तो एक चीज का सेल बिक जाए, बच सेल होगा ही नहीं। सर किसका सेल नहीं होगा? रील का। अब प्रॉब्लम क्या आई, वो जो रील या रोल जो भी बोलो वो बिकते, इसलिए तो उन्होंने कहा कि भैया हमको आपका डिजिटल कैमरा नहीं चलाना, कोडेक कंपनी ने मना कर दिया, दूसरी कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया, फिर बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, सैमसंग वगैरह बहुत सारी कंपनियां आ गई। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ कि डिजिटल कैमरे तो आए मार्केट में, पर कौन सा कैमरा फेल हो गया? ये वाला कैमरा फेल हो गया क्योंकि इन्होंने न्यू स्ट्रैटेजी को एडॉप्ट नहीं किया।
ये एक एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा कोडिंग का। दूसरा, कैमरे और भी निकॉन वगैरह क्या है। दूसरा, ऐसा कौन सा फोन है पहले किसी जमाने में बहुत जबरदस्त चलता था, वो था नोकिया। तो नोकिया के जो फोन थे वो कीपैड वाले थे और उस समय अच्छा खासा चल रहा था, पर धीरे से टच स्क्रीन फोन आने लगे और ये भी एडॉप्ट नहीं कर पाया नोकिया। प्रॉब्लम उस समय उसने एडॉप्ट नहीं किया, सैमसंग और बड़े बड़े फोन अच्छे अच्छे कंपनी के फोन आने लगे और नोकिया भी फेल हो गया। और आजकल नोकिया के फोन अभी उन्होंने एडॉप्ट किया पर अभी तो फेल हो गया इस चक्कर में, क्योंकि फोन तो एग्जांपल दिए मैंने, दोनों लोगों ने न्यू स्ट्रेटजी एडॉप्ट नहीं कर पाए। कस्टमर कहाँ शिफ्ट हो गए, कस्टमर्स कहीं और शिफ्ट हो गए, कॉम्पिटिटर आ गए मार्केट में, इस वजह से ये दोनों फेल हो गए, कोडेक और नोकिया। ये एक एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा आप स्ट्रेटजी के रिस्क। ठीक है सर, और क्या हुआ सर? ये दो कंपनी के अलावा और एक था जेरोक्स। जेरोक्स कंपनी है, कंपनी जेरोक्स। तो जेरोक्स क्या करता था, पहले प्रिंट निकलता था, उस समय डिजिटल प्रिंटर था नहीं, वो चलता था दूसरा। पर जैसे ही डिजिटल प्रिंटर आया, जेरोक्स ने फटाफट से एडॉप्ट कर लिया, इसलिए वो फेल नहीं हुआ। अभी भी जेरोक्स कंपनी के प्रिंटर बिकते हैं। इट मीन्स तीन एग्जाम्पल है, दो फेल हो चुके और एक जो सक्सेस हुआ क्योंकि उसने न्यू स्ट्रेटजी एडॉप्ट कर लिया था। तो अगर आप स्ट्रेटजी, न्यू स्ट्रेटजी एडॉप्ट नहीं करते तो आप फेल हो जाओगे, यही रिस्क है। रिस्क आपको समझना है कि बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो नए कॉम्पिटिटर आएंगे और वो आएंगे और वो न्यू स्ट्रेटजी एडॉप्ट करेंगे, उससे पहले आपको न्यू स्ट्रेटजी एडॉप्ट करना होगा। ठीक है, तो स्ट्रेटजिक रिस्क में मैं आपको अगर लिखवाता, अगर बोलूं तो क्या बोलूं इसमें, क्या लिख सकते हैं, हालांकि मैं रीड करवाऊंगा, मैं ये लिखूं, मैं अगर इसमें लिखता तो मैं ये लिखता कि जो स्ट्रेटजिक रिस्क का मतलब होता है रिस्क जिससे जो कंपनी की जो पॉलिसी है ना वो लेस इफेक्टिव हो जाती है। क्यों हो जाती है, इफेक्टिव नहीं रह पाती कंपनी की जो पॉलिसी, क्यों इफेक्टिव, या स्ट्रेटजी कंपनी की जो स्ट्रेटजी है ना वो इफेक्टिव नहीं रह पाती। वजह क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, न्यू कस्टमर्स जो है वो, न्यू कॉम्पिटिटर है वो आ जाते हैं मार्केट में, तो जो कस्टमर है वो शिफ्ट हो जाते हैं कहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। स्ट्रैटेजिक रिस्क कौन कौन सा, एग्जांपल देना पड़ेगा कोडिक का, दूसरा नोकिया का और तीसरा जेरोक्स का, दिस इज स्ट्रैटेजिक रिस्क। आगे चलते हैं सर, दूसरा कौन सा, दूसरा लिखा है कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क का मतलब क्या होता है, मतलब कंप्लायंस रिस्क का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ चलो यार कोई बिजनेस किया जाए, सर कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, मैंने कहा यार किस में ज़्यादा फायदा, किस में ज़्यादा, वाइन शॉप, वाइन शॉप में तो फायदा है। तो हो सकता है कि वाइन शॉप यहाँ चल जाए छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में चल जाए और मैं बिल्कुल तैयार हो गया, हाँ जी वाइन शॉप मुझे फायदा ही फायदा। लेकिन क्या यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर मैं सोचूं ये गुजरात में चलाऊं तो क्या पॉसिबल है, नहीं है, मैं कंप्लायंस ही नहीं कर पाऊंगा रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस बंद हो जाए। हो सकता छत्तीसगढ़ में, हो सकता कुछ समय बाद, मैंने स्टार्ट तो कर दिया बिजनेस पर कुछ समय बाद ये रूल्स आ गए कि आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, आप कंप्लायंस नहीं कर पा रहे, बंद करना पड़ेगा, दिस इज रिस्क, कंप्लायंस रिस्क। और भी बात करो, शुगर फैक्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, शुगर फैक्ट्री का एग्जांपल है आपकी स्टडी मटेरियल में, हर एक स्टेट का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हो सकता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जब मैं यहाँ चला रहा हूँ तो फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन कहीं और चला रहा हूँ तो हो सकता है वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मुझे पेनल्टी वगैरह लगेगी और मुझे बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ये भी बहुत बड़ी रिस्क है, कंप्लायंस रिस्क। ठीक है सर, तीसरा कौन सा रिस्क, तीसरा ऑपरेशनल रिस्क। सर ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है भाई, बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस चलाओगे तो पूरा की पूरा क्या कंट्रोल आप कर लोगे, छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, पूरा की पूरा कंट्रोल आप नहीं कर पाओगे।
अगर हम पूरा कंट्रोल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपने एम्प्लॉयज़ को आपका पक्का जो भी प्रोसेस हो आप खुद नहीं कर सकते सर पूरा, तो आपके एम्प्लॉय को बोलोगे काम करने के लिए? क्या जो एम्प्लॉय है, जो पीपल है, क्या वो मिस्टेक कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि 10,000 रुपये पेमेंट करना था किसी पर्सन को, आपने 1,00,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशन तो पता नहीं, ऑपरेशनल रिस्क बहुत सारी हो सकती है। ध्यान से, अगर आप एक छोटा भी बिजनेस कर रहे हो, आप जो दुकान चला रहे हो, जरूरी नहीं है आप बंद कर रहे हो, कहीं और घूम रहे हो और दुकानें बंद रह रही है, आपकी फैक्ट्री बंद रह रही काफ़ी दिनों तक, दिस इज ऑपरेशनल रिस्क, तो भी आप बर्बाद हो जाओगे। सीधी सी बात है भाई, अगर आप लापरवाही करोगे बिजनेस में तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक बंद होगा, दिस इज ऑपरेशनल रिस्क। तीन है, अभी मैंने तीन की बात की, स्ट्रैटेजी, अगर आपने नहीं न्यू स्ट्रैटेजी एडॉप्ट नहीं किया तो आपके जो कस्टमर्स है वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, दिस इज स्ट्रैटेजी, आपको बिजनेस बंद करना है। अगर आप गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको एडॉप्ट नहीं कर पाओगे तो पेनल्टीज वगैरह लगेगी और आपको तीसरी बात मैंने आपको ये कहा कि ऑपरेशनल रिस्क, अगर आप बिजनेस में लापरवाही करोगे, बिजनेस के ऑपरेशन में लापरवाही करोगे तो भी सर जी आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सर, चौथा, और चौथा हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? सुनो, फाइनेंशियल रिस्क भी तो बहुत बड़ा टेंशन है, पैसा, बिना पैसों के काम नहीं होगा सर। फाइनेंशियल रिस्क मतलब पैसों से रिलेटेड रिस्क कहाँ कहाँ हो सकता है? ऐसा कि मैंने किसी बैंक से पैसे उधार लिए थे बिजनेस के लिए और पैसे चुका नहीं पा रहा हूँ तो क्या बिजनेस बंद करने की सिचुएशन आ सकती है? हाँ जी, डेट बढ़ेगा तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या हो सकता है? कंपनी में डेट बढ़ेगा तो बंद करना ही पड़ेगा। दूसरा और क्या हो सकता है? मैंने किसी को उधार माल बेचा था, उधार, और काउंटर पार्टी ने पैसे ही नहीं दिए, हम क्रेडिट पर गुड्स बेचते गए, होता ना यार, हम उधारी देखना बेटा, कभी भी देखना, दुकानें बंद क्यों हो जाती है? नई नई दुकान खुली, अच्छा सेल होता है, कुछ समय बाद 1-2 साल बाद बंद हो जाती, क्यों? क्योंकि खूब उधार बेचा जाता, उधार 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 उधार, और पैसे ही नहीं मिलते, लोग देते ही नहीं पैसे, और बैड डेट्स हो जाता, और फिर जब पैसे मिल नहीं रहे तो भाई दुकान कैसे चलाओगे, पैसे कहाँ से है, माल कैसे भरोगे? तो बेटे ये भी एक रिस्क है, दिस इज काउंटर पार्टी रिस्क बोलते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब होता है सामने वाली पार्टी आपको पैसे नहीं दे पा रही, दिस इज फाइनेंशियल रिस्क का एक पार्ट है काउंटर पार्टी रिस्क। अगर मैं कहता हूँ फाइनेंशियल रिस्क का एक पार्ट हो गया जिसका मैं क्या नाम ले रहा हूं, काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। सर इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या हुआ? बड़ी समस्या है, दो टाइप के इंटरेस्ट चलते हैं, सुनना ध्यान से, दो टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ाया होगा मैंने, एक होता है फ्लोटिंग रेट और एक होता है फिक्स रेट। सर क्या अंतर है? फिक्स रेट क्या होता है? फिक्स रेट में ऐसा होता है कि मैं किसी बैंक में गया और बैंक में जब जाकर मैंने बोला कि भाई मुझे लोन चाहिए, तो एक होता है फिक्स कि हाँ जी, बैंक वाला बोलेगा कि फ्लोटिंग चाहिए फिक्स, मैंने कहा ये क्या होता समझाओ, तो उन्होंने कहा फिक्स का मतलब होता 10% है फिक्स, इट मीन्स आप हमसे लोन लीजिए और आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट्स इट। अच्छा मैंने कहा और फ्लोटिंग क्या होता है? बोले फ्लोटिंग जो होता है वो होता है लाइबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, एक होता है बेस रेट और उसमें कुछ कर दो +1%। बोले लाइबोर +1%, मैंने कहा ये क्या होता है? बोले लाइबोर ना हर 3-3 महीने में चेंज होता है, बाय चांस किसी पीरियड में लाइबोर हुआ 10% तो आपको देना पड़ेगा 11%, अगर लाइबोर हुआ 7% तो आपको देना पड़ेगा 8%। अच्छा मैंने कहा मतलब ये हुआ कि जो फ्लोटिंग रेट है वो चेंज हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो किसी और पर डिपेंड करता है और जो फिक्स रेट है वो कभी चेंज ही नहीं होगा। अब बताओ मैं उधार लूँ तो किस रेट पर, फ्लोटिंग कि फिक्स? सर आपको रिस्क नहीं लेना है ना, तो आप फिक्स के हिसाब से उधार लीजिए। मैंने ले लिया फिक्स के हिसाब से उधार, पर
फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग जो चल रहा वो धीरे 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 कम हो गया, कम हो रहा था, मैं तो फंस गया। इट मीन्स यार, जबकि मैं कम पैसे दे सकता था इंटरेस्ट का, पर मुझे ज़्यादा देना पड़ा फिक्स के हिसाब से। सर तो फ्लोटिंग पे ले लो। हाँ, जैसे ही मैंने फ्लोटिंग पर लिया, फ्लोटिंग रेट बढ़ गया, तो क्या मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा? हाँ, ये भी तो रिस्क ही है। फिक्स से लूँ कि फ्लोटिंग से लूँ, यही समझ में नहीं आ रहा। दिस इज इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये भी आपके फाइनेंशियल रिस्क का पार्ट। इंटरेस्ट रेट रिस्क। सर और क्या हो सकता और है भाई? करेंसी रिस्क, फॉरेक्स पढ़ा होगा। करेंसी रिस्क क्या होता है? सपोज यार मेरा बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट करता हूँ तो मुझे देना पड़ेगा डॉलर, और अगर डॉलर देने वाला हूँ तो मैं भगवान से क्या प्रार्थना करूँगा कि प्लीज़ भगवान डॉलर का रेट मत बढ़ा देना। पर रेट बढ़ गया तो रिस्क, रेट के डॉलर का रेट बढ़ने का रिस्क। और अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो डॉलर आने वाला है तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा का बिके, तो मैं ये चाहूंगा कि यार रेट जो हो डॉलर का वो ज्यादा हो, पर रेट कम हो गया तो ये भी एक रिस्क है। दिस इज करेंसी रिस्क। अच्छा सर, इसके अलावा क्या? इसके अलावा है पॉलिटिकल रिस्क। सर पॉलिटिकल रिस्क फाइनेंशियल रिस्क कैसे हुआ? डायरेक्टली तो नहीं हुआ, पर इनडायरेक्टली तो है। कैसे? जैसे सपोज मैं यूएस में बिजनेस कर रहा हूँ और यूएस में बिजनेस कर रहा हूँ, और मैं इंडिया का हूँ, यूएस में बिजनेस कर रहा हूँ और वहाँ से डॉलर इंडिया लेके आता हूँ, हो सकता है यूएस गवर्नमेंट मना कर दे, रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि आप डॉलर नहीं ले जा सकते, खत्म। और भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, हो सकता है कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ जाए और यूएस गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसकी वजह से भी मेरा बिजनेस खत्म हो जाए। पॉलिटिकल रिस्क भी एक है, किसका? फाइनेंशियल रिस्क का एक पार्ट है। टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो रिस्क है वो चार टाइप की। कितने टाइप के रिस्क? चार। स्ट्रैटेजिक रिस्क, दूसरा कंप्लायंस रिस्क, तीसरा ऑपरेशनल रिस्क, और चौथा फाइनेंशियल रिस्क। और फाइनेंशियल रिस्क के कितने पार्ट हो गए? चार। कौन कौन से? काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, और किसकी बात करो, इसकी बात करो, करेंसी रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, तो एक बार ये छोटा सा है पार्ट, और कुछ नहीं इसमें आएगा तो आएगा यार, आएगा तो बस इतना आएगा। पहला तो ये आ सकता है कि रिस्क कितने टाइप का होता है ये बताइए, और दूसरा आ सकता है क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि फाइनेंशियल रिस्क में क्या क्या आता है ये बताइए बस। तो सर इसको एक बार रीड करेंगे। बस लिखा टाइप ऑफ रिस्क, ये क्वेश्चन आ सकता है टाइप। तो यहां तक तो कहानी, अगर मैं काम की बात देखूं तो काम की बात है। देखा स्ट्रेटेजिक रिस्क, ये याद करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक रिस्क इज अ रिस्क, इज अ रिस्क इन विच कंपनी स्ट्रेटेजी बिकम लेस इफेक्टिव एंड स्ट्रगल टू अचीव इट्स। क्यों? टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज, न्यू कॉम्पिटिटर आ चुके हैं मार्केट में, कस्टमर के डिमांड शिफ्ट हो चुकी है, और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो गया है, बढ़ गया है। ये सब कौन से रिस्क कहलाएगा? स्ट्रैटेजिक रिस्क। ये आपको लिखना पड़ेगा कि कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है वो लेस इफेक्टिव हो जाएगी और वो स्ट्रगल करेगी अपने गोल को अचीव करने में। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के चेंज होने से, न्यू कॉम्पिटिटर के आ जाने से कस्टमर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। पर इसमें हमें कुछ एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा, और एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया। एग्जाम्पल किस किस का लिखोगे? एक तो कोडेक कंपनी, ये इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आप पढ़ लोगे, स्टोरी में आपको समझा कोडेक का। दूसरा एग्जाम्पल किसका लिखोगे? नोकिया। ये दोनों फेल हो चुके थे, कोडेक का मैंने बताया क्योंकि इसका मेन जो बिजनेस था, कोर बिजनेस, वो फेल हो रहा था। ठीक है, इसी वजह से उसने डिजिटल कैमरा को अडॉप्ट नहीं किया, कोई और आ गया, तो कोडेक जो है वो फेल हो गया। दूसरा किसका एग्जांपल लिखो? नोकिया।
नोकिया ने भी डिजिटल कैमरा टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया था, स्क्रीन मोबाइल फोन, इसकी वजह से कौन पिक्चर में आ गया? सैमसंग। लेकिन एक पॉजिटिव अगर एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल किसका लूंगा मैं? जेरोक्स। जेरोक्स क्योंकि जेरोक्स ने जो प्रिंटिंग है उसको डेवलप कर लिया था और वो आपके डिजिटल लेजर प्रिंटिंग उसने एडॉप्ट कर लिया था एज सून एज पॉसिबल। किसकी बात हो रही थी? ये स्ट्रैटेजिक रिस्क। आगे चले, आगे है कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क में कुछ है नहीं है वैसे लिखने के लिए, कंप्लाई करना पड़ेगा किसका? रूल्स एंड रेगुलेशंस का। एग्जांपल एग्जांपल दिया सेबी का, कंप्लायंस रिस्क में जो सत्यम है ना वो कंप्लायंस रिस्क के चक्कर में चला गया, तो कंप्लाई करना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस का। और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कंपनी वेंचर न्यू बिजनेस लाइन। अगर आप न्यू बिजनेस खोल रहे हैं न्यू जियोग्राफिकल एरिया में तो प्रॉब्लम आ सकती है। एग्जाम्पल दिया सीमेंट बिजनेस का, एग्जाम्पल दिया सीमेंट बिजनेस, एक नया स्टार्ट करना है सुगर बिजनेस डिफरेंट स्टेट में, तो भाई वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हो गए। रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हो गए तो सिंपल सी बात है प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी, सर्वाइवल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये कौन सा रिस्क था आपका? कंप्लायंस रिस्क। अब बात किसकी करते? ऑपरेशन रिस्क। ऑपरेशन रिस्क का मतलब इंटरनल रिस्क, ये शब्द लिख लेना भाई, इंटरनल रिस्क ये शब्द लिखना पड़ेगा। और फेल हो सकते हैं कंपनी डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम में, ऑपरेशनल रिस्क। एग्जांपल भी दिया, एग्जांपल वही मैंने जो बताया था, 1,00,000 रुपए पे कर दिया जबकि पे कितना करना था? 10,000। हालांकि इसको आप प्रोसेस रिस्क भी बोल सकते हैं, ऑपरेशनल रिस्क प्रोसेस रिस्क। हालांकि इस रिस्क को खत्म कर सकते कि आप किसी और पर्सन को वहाँ और देखने के लिए रख लो, पर वो कहानी किससे। जैसे ऑपरेशनल रिस्क मतलब आप लापरवाही कर रहे हो बिजनेस को। आगे और चल रहे हैं, और लास्ट मैंने बात किसकी किया था? फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क का मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंज, ये कीवर्ड्स हैं अनएक्सपेक्टेड चेंज इन फाइनेंशियल। जैसे प्राइस में चेंज हो गया, एक्सचेंज रेट में चेंज हो गया, क्रेडिट रेटिंग में चेंज हो गया, इंटरेस्ट रेट में चेंज हो गया। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब रिस्क जिसमें अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है प्राइस में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में, करेंसी में, और भी बहुत सारा लिख सकते हो क्रेडिट रेटिंग। पॉलिटिकल रिस्क फाइनेंशियल रिस्क डायरेक्ट में रिलेशन नहीं है, लेकिन इसमें अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल चेंज इन फॉरेन कंट्री में लीड टू कंट्री रिस्क, ठीक है। और पॉलिटिकल फाइनेंशियल रिस्क के अंदर आपको पहला कौन सा होगा? काउंटर पार्टी रिस्क। मैंने पहले ही बताया काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी में क्या हो रहा था कि आप किसी को गुड्स बेच रहे थे और वहां से पैसे ही नहीं आए, तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। दिस इज ऑब्लिगेशन बाय द काउंटर पार्टी विच कैन फेलियर टू डिलीवर द गुड्स फॉर द पेमेंट, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हो काउंटर पार्टी रिस्क का, ये मैं समझा चुका हूँ आपको। अब आते हैं पॉलिटिकल रिस्क। किसके एग्जाम्पल किसके अंदर में आ रहा है? ये फाइनेंशियल रिस्क के अंदर में। पहला कौन सा? पहला मैंने कौन सा बताया आपको? काउंटर पार्टी रिस्क। दूसरा पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब फेस बाय ओवरसीज इन्वेस्टर, ओवरसीज इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी को आपको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, ओवरसीज है, हो सकता है यूएस वाले खत्म कर दें हमारी प्रॉपर्टी जो हमने यूएस में बनाया। दूसरा वो हमारा पैसा होम करेंसी हमको वापस ना लाने दे, या फिर वो कन्वर्जन में रोक लगा दे कि लोकल करेंसी में, या फिर बोरोइंग में रोक लगा दे, या फिर पेटेंट को इनवैलिड कर दे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। तो फाइनेंशियल रिस्क में दो चीज़ें कौन कौन सी? काउंटर पार्टी रिस्क, दूसरा पॉलिटिकल रिस्क, तीसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क। और इंटरेस्ट रेट रिस्क में चेंज इन इंटरेस्ट रेट रिजल्टिंग इन चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी में चेंज हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारी बातें लिखी वही जो मैंने आपको बताया था, कौन कौन सी, यहाँ देखो मैंने आपको क्या बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दो तरह से, फिक्स एंड फ्लोटिंग। तो पैसे किससे उठाओगे? फ्लोटिंग से कि फिक्स से? अगर आप बोरो करते हो किससे? फ्लोटिंग से, तो प्रॉब्लम क्या है? आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, फ्लोटिंग बढ़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप बोरो करते हो किससे? फिक्स से, तो
अगर रेट कम गया तो आप बेकार में ज़्यादा इंटरेस्ट पे करोगे, वो भी है। तो ये कौन सा इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये सारे एग्जाम्पल। और फिर कौन सी बात किया था मैंने, करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क में आप एग्जाम्पल लिख देना किसका, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, रुपए रिसीवेबल है तो क्या है, और अगर आप इम्पोर्टर है तो आपकी लायबिलिटी कैसे बढ़ेगी। सेम चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। तो सर टाइप ऑफ रिस्क कितनी होती है, चार, स्ट्रेटेजिक, दूसरा ऑपरेशनल, चल जाएगा आगे पीछे, तीसरा कंप्लायंस, और चौथा फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में चार टाइप का रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क है कि अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड चेंज किस में, प्राइस में, करेंसी में, करेंसी रेट में, मतलब एक्सचेंज रेट बोल सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट में, क्रेडिट रेटिंग में, ये सब फाइनेंशियल रिस्क कहलाता है। और इसके अंदर कितनी, चार चीज़ें, कौन कौन सी, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क या काउंटर पार्टी रिस्क, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, काउंटर पार्टी रिस्क के अलावा और क्या आ सकता है काउंटर, इंटरेस्ट रेट रिस्क, गुड, पॉलिटिकल रिस्क, करेंसी रिस्क। इसमें एक पॉइंट और है, यह सर कि अगर किसी कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क है, डेट है, बहुत ज़्यादा डेट है, आपने उधार बांट रखा है और बहुत जमाने भर के डेट हो चुके, पैसा आपने उधार लेकर रखा है, तो इसकी वजह से किस किस को इफेक्ट पड़ेगा, इवैल्यूएशन कौन कौन करेगा, आप बताइए। फिर से कोई कंपनी है और उसका डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क है, पैसा आ नहीं रहा है, उधार लेकर आपने बेच दिया, पैसा नहीं आ रहा, बड़ी प्रॉब्लम है, तो किस किस को फ़र्क पड़ेगा। सर जी फ़र्क किसको पड़ेगा, शेयर होल्डर को भी पड़ेगा, कंपनी को भी पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी पड़ेगा। सर शेयर होल्डर को क्यों फ़र्क पड़ेगा, डेट अगर बढ़ते हैं और हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए, करेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए या रेट ऑफ इंटरेस्ट में, क्योंकि डेट बढ़ गया है, प्रॉब्लम आ गई तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी। यस, भगवान ना करे कंपनी बंद हो जाए, लिक्विडेशन हो जाए, पैसे बांटने पड़ेंगे। यस, और आप अच्छे से जानते हो सबसे लास्ट में नंबर किसका आता, लिक्विडेशन पड़ा हुआ है सर, सबसे लास्ट में नंबर आता है इक्विटी शेयर होल्डर को। हाँ, तो क्या उनको डर है कि नहीं है, है। अगर कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो इक्विटी शेयर होल्डर को डर है, क्योंकि कंपनी के लिक्विडेशन पर उनको सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो भगवान ही जानता है। दूसरा सर, कंपनी, कंपनी को तो है ही भाई, कंपनी का डेट बढ़ेगा तो कंपनी बंद करना पड़ेगा, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेट मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लिक्विडेशन में जाएगी। सर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट को भी टेंशन है, क्योंकि अगर डेट बढ़ा, डेट बढ़ा, जैसे रिलायंस की मैं बात करूं, रिलायंस ने यस बैंक से पैसे उठाया था, रिलायंस ने यस बैंक से पैसे उठाया था, लोन लिया था, बहुत सारा डेट हो गया था, रिलायंस पैसे नहीं दे पाया, प्रॉब्लम किसको है, डिफॉल्ट कर गया रिलायंस, यस बैंक, और यस बैंक बंद होने की स्थिति में आ गया, पैसा किसका गया, पब्लिक का, तो क्या गवर्नमेंट परेशान होगी इस चक्कर में। यस, ये एक एग्जाम्पल है लेटेस्ट। इसके अलावा भी आप अगर कोई केस पढ़ना है तो आप लेहमैन ब्रदर्स का केस पढ़ सकते हो, इन्होंने भी इतना पैसा उठाया बैंक से, बहुत पैसा, और फिर डिफॉल्ट कर गया, उसकी वजह से पब्लिक ने जो बैंक में पैसा जमा कर दिया था लॉस हो गया, अल्टीमेटली लोग किसको बोलेंगे, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को भी रिस्क है। इट मीन्स आपको कितने, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, स्टेक होल्डर्स के, कंपनी के और गवर्नमेंट के। अगर मैं कहूँ स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है तो सीधी सीधी बात है, आपको ये बताना पड़ेगा कि डेट इक्विटी रेशियो अगर हाई होता है तो वाइंडिंग अप की सिचुएशन आ सकती है, और वाइंडिंग अप में सबसे लास्ट में नंबर किसका होता है, सबसे लास्ट में नंबर होता है इक्विटी शेयर होल्डर का, बस इतना भी लिख दोगे तो बहुत है। दूसरा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि अगर आपका एक्सेसिव बोरो कर लिया है आपने, और किसी को उधार दिया है और उसने डिफॉल्ट कर लिया है, तो भाई आप लिक्विडेशन की सिचुएशन में आ सकते हैं। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि फाइनेंशियल रिस्क के फेलवर, अगर कोई बैंक का पैसा आप नहीं दे पाते हो, डिफॉल्ट कर लेते हो, तो क्योंकि उनका पैसा, पब्लिक का पैसा लगा है, तो प्रॉब्लम पब्लिक को आएगी, गवर्नमेंट को आ जाएगी अल्टीमेटली। इस हिसाब से हमारे रिस्क मैनेजमेंट में बस इतना ही, फटाफट से रिवीजन करते, ख़त्म करते, टॉपिक को कुछ है ही था ही नहीं।
अगर इस टॉपिक में क्वेश्चन तो जो करवाना था वो करवा दिया भाई, अगर इस टॉपिक में मुझे कुछ बातें करनी है तो एक तो वार वैल्यू एट रिस्क और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। अगर वैल्यू एट रिस्क की बात करूँ वार, तो वार के पहले शॉर्ट नोट लिख देंगे हम लोग, मैं रिविजन करवा दूँ और फिर क्लास ओवर कर दूँ, पहले शॉर्ट नोट लिख देंगे वार के विषय में कि वार क्या है सर। तो वार है, वार एक टूल है रिस्क को मेजरमेंट करने का, और इसमें हम ये पता करते हैं कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है बुरी सिचुएशन में, और ये टाइम के हिसाब से एक दिन में कितना हो सकता है, 10 दिन में कितना हो सकता है, ये सारी चीज। फीचर्स क्या हो सकते हैं वार के, तो सबसे पहले तो हमें कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल और ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स। दूसरा क्या बताऊँ कि फीचर्स में सर हम ये बताएंगे फीचर्स में कि ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, बिल्कुल सही। तीसरा हम ये बताएंगे कि सर इसमें टाइम होराइजन हमको देखना पड़ेगा, एक दिन या 10 दिन या एक महीने, कुछ भी हो सकता है, टाइम होराइजन हो गया। और क्या बताओगे फीचर्स में, इसके अलावा फीचर्स में हम और क्या बोल सकते, इसके अलावा हम ये बताएंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम बताते हैं सारी चीज़ें, इसमें हम जेट टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम रिस्क को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। एप्लीकेशन, वार का एप्लीकेशन कहाँ होता है, वार का एप्लीकेशन याद करो सर, वार का एप्लीकेशन ना सबसे पहले तो मेजरमेंट करने में, क्या मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कर सकता है इसका मेजरमेंट। दूसरा सर एक बेंचमार्क है कि यार हमको, हम ट्रेडिंग करते हैं ना तो एक बेंचमार्क, उससे ऊपर नहीं जाना है हम। अच्छा, तीसरा मैंने क्या बताया था, एक हम लिमिट कर सकते हैं, जो लिमिट है ना उसको फिक्स कर सकते हैं, इंडिविजुअल कोई शेयर इक्विटी एक इंडिविजुअल है उसका लिमिट फिक्स कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा और क्या सर, हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं वार को के हेल्प के, ठीक है। और ऐसी लायबिलिटी को मैनेजमेंट किया जा सकता है, जनरली कहाँ किया जाता है, बैंक। तो ये था वार। दूसरा मैंने बात किया रिस्क, तो रिस्क में क्या क्या है, टाइप्स ऑफ रिस्क सबसे पहले आएगा, टाइप्स ऑफ रिस्क में क्या क्या आएगा, टाइप्स ऑफ रिस्क में सबसे पहले आएगा स्ट्रैटेजिक रिस्क। अब स्ट्रैटेजिक रिस्क के विषय में मुझे लिखना, चार टाइप का रिस्क है, सबसे पहले बात किसकी करूँ, स्ट्रैटेजिक। तो मैं ये बताऊँगा कि कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है वो लेस इफेक्टिव हो जाएगी और वो अपना गोल जो है ना वो स्ट्रगल मतलब अचीव नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, कंपनी बोले ये है कि न्यू टेक्नोलॉजी चेंज आ सकती है और आप उसको एडॉप्ट नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से न्यू कॉम्पिटिटर आ जाएगी मार्केट में, जो कस्टमर्स का जो डिमांड है ना वो शिफ्ट हो जाएगा उस तरफ। एग्जाम्पल लिख देना किसका, कोडेक, उसने स्ट्रेटजी एडॉप्ट नहीं कर पाया तो कोई और ले गया उसका कस्टमर्स। और किसका, नोकिया ने भाई वो टच स्क्रीन फोन का एडॉप्ट नहीं किया, कोई और ले गया सैमसंग। जेरोक्स एक अच्छा है जिसने लेजर प्रिंटिंग को एडॉप्ट किया, चल गया। तो दिस इज स्ट्रैटेजिक रिस्क। दूसरा कौन सा, कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क में ये बताओगे कि सर ऐसा है कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करना पड़ता है, अगर हम कंप्लाई नहीं कर पाते तो हो सकता है हमारा बिजनेस बंद हो जाए। जनरली ये होता है कि हो सकता है, सीमेंट फैक्ट्री का एग्जाम्पल, सीमेंट का बिजनेस हम यहाँ कर रहे हैं और शुगर का बिजनेस हम कहीं और किसी और स्टेट में करना चाहते हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हो सकते हैं और इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, दिस इज कंप्लायंस रिस्क। उसके बाद क्या था, ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब ये होता है कि बिजनेस का आप डे टू डे ऑपरेशन करते हो, उसमें डे टू डे ऑपरेशन में गड़बड़ हो सकता है। 10,000 का पेमेंट आप 1,00,000 दिखा दो या 1,00,000 दे दो, 10,000 देना 1,00,000 दे दो, या लापरवाही कर रहा है बिजनेस में, ये सब की सब कौन सा रिस्क है, ऑपरेशन। उसके बाद मैंने बात किसकी किया, फाइनेंशियल रिस्क। लास्ट फाइनेंशियल रिस्क का मतलब ऐसे रिस्क जिसमें अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाता है, किसमें, इंटरेस्ट रेट में, करेंसी में, प्राइस में, क्रेडिट रेटिंग में, ये सब की सब फाइनेंशियल रिस्क के एग्जाम्पल जिसकी वजह से हमारा लॉस हो सकता है। और इसमें सबसे पहले काउंटर पार्टी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क में क्या आएगा, काउंटर पार्टी। काउंटर पार्टी रिस्क में होता है क्या, आप उधार माल बेच देते हो लेकिन सुनो पैसा ही नहीं मिला, पैसा नहीं मिला